गाइस अब हम लोग इस टाइम मिले हैं और कल की जो है हालत ख़राब हो रखी थी, अभी तक का सही हुआ नहीं है। इनका मुंह आप देख सकते हैं कैसा बना हुआ है, मेरे भी बहुत सूजन है, स्वेलिंग बहुत है फेस पे, पूरा स्वेल है। लेकिन आज ही वापस भी जाना है तो आज कुछ काम है थोड़ी बहुत करके फिर आज निकलेंगे। यहाँ के मौसम का तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, पता नहीं क्या, कभी गर्मी कभी धूप कभी छाया, यही लगा हुआ है। बहुत तेज धूप हो रही है। कल दूसरी बार उठे थे क्या? आज पहली बार, आज सुबह से पहली बार मेट्रो में बैठे, पहली बार मेट्रो में बैठे। ये देखो कुर्सी, देखिए कुर्सी एक प्याज खाए हो क्या? हाँ खाए, कसम से बता रहे हैं प्याज खाए हुए लोग उनको इतने बिल्कुल बेकार रखता हूँ। हमारा कैरी बैग तो नहीं छूट गया है? यात्रियों ने ध्यान दे, किसी का कैरी बैग छूटा है तो जाके ले लेंगे। मेरा मुँह सूझा है तो ऐसे मत देखो। गाइस बहुत थकान हो गई है, दो दिन में इतना चला है, इतना जिंदगी में एक महीने में नहीं चला हुआ, इतना दो दिन में चला है, यानी 20,000 फुट स्टेप्स मैंने चला है, उससे भी ज़्यादा, यानी 22,000। मेरा मुँह कितना चौड़ा आता है देखेगा, चौड़े आ रहे हो। मेरे मुँह पर इतना ध्यान ना दीजिए, आप बातों पर ध्यान दीजिएगा गाइस। हमारे जो वीडियोस होते हैं वो बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं, हम आपको बताते हैं कि आपको अगर कोई चीज़ देखना है तो खुद आके एक्सपीरियंस करिए। अरे दोबारा है, ये तो पता ही नहीं था। गाइस अभी हम आटा मार्केट गए थे, आटा मार्केट में गए, बहुत भीड़ थी, सामान भी नहीं मिल पाया और हम थक गए, वहाँ से वापस चले आए क्योंकि वहाँ पर भी हमें जाना था सरोजनी, आज सरोजनी खुला नहीं है तो आटा गए थे। आटा में बहुत कॉस्टली सामान मिल रहा था, जो चीज़ें चाहिए थी जो वहाँ पे सरोजनी में सस्ती नहीं है, यहाँ पे वो डबल दाम में मिलती है, इसलिए जो है हम लोगों ने खरीदा नहीं वहाँ से सामान। और अब हम आ गए बीकानेर, बीकानेर वाला में जा रहे हैं कुछ खाने, क्योंकि अभी भी मेरी हालत पहले तो सही नहीं है, पैरों में इतनी दर्द है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही है हमें अभी तक। अभी भी ये लोग बोलेंगे कि सरोजनी चलना है तो हम चल सकते हैं, चलो देख ही लेंगे, एटलीस्ट खुला है कि बंद है। ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं, कैसा करते हैं पहले बताओ, कैसा करते हैं? कहाँ तो बहुत ख़राब हो चुकी है, आंखों में जो है थकान भरी हुई है। ठीक है, मैंने ऑर्डर कर दिया है, बस अभी आता है तो दिखाते हैं कि क्या क्या ऑर्डर किया है आपको। बस अब तो सोच रहे हैं कितनी जल्दी घर पहुंच जाए, क्योंकि पैर जवाब दे चुके हैं आप, मेरे तो स्पेशली पैर बहुत दर्द हो रहा है। सरोजनी आज मंडे की वजह से बंद है। और ये राज कचौड़ी, ये व्हाइट सॉस पास्ता, ये क्या था? पास्ता भी है, कांजी वड़ा, कांजी वड़ा, कांजी वड़ा, ये क्या है फिर? कोल्ड कॉफी, कोल्ड कॉफी, कांजी वड़ा पापा ने बनवाया तो, पापा, अच्छा ओके। अरे आधी चीज़ें आ चुकी हैं, अभी पास्ता नहीं आया है, बाकी चीज़ें हम इंजॉय करते हैं, बताते हैं हम लोगों के लिए खाना। एक काम करो, ये तो पेप्सी का ये पकड़ लो ना,
की चिक्की। ये सब कितना पहले जा रहे हैं, एकदम रुक ही नहीं रहे हैं, एकदम से क्या क्या खा रहे हैं समझ नहीं आ रहा। कि जो मंगाया छोला भी खाएंगे, ये देखिए मार दे क्या राजा अगर नहीं दारू पीने तक रेस्टोरेंट या होटल ना जाओ, कुछ चीज मारो नहीं तब तक वहाँ जाना सफल नहीं होता बता रहे हैं। कुछ ना कुछ चीजें मारना जरूरी होता है, मजे आ जाती है, दिल का सुकून मिलता है, तसल्ली मिलती है। और कॉफ़ी भी बहुत अच्छी है यहाँ की, मतलब खाना हर जो भी चीज़ ऑर्डर करिए आपको हर चीज़ अच्छी है, अपना अपना टेस्ट है। सिक्स पड़ी हुई है, दिखाओ। हाँ ये अब तुमने आ गया बेटा, उसमें दारू पिए तो मजा आ जाता, हम पहले रिकॉर्ड कर रहे थे, तुमने कैसे देखो लड़ाई चल रही है यहाँ पे दोस्ता दोस्त खाया जाता है भैया की जगह रखा था मैम, खाएंगे नहीं छोले भटूरे लेके आए हैं। देखिए इस आदमी को भटूरे छोले ले लो थोड़े फूले हैं राज कड़ोली ले लो बिजाल देने बीका नहीं रखते बिजाल के पास छोड़े बिजाल के पास छोड़े हम लोग सुनिए जो है हम लोग बीकानेर से खा गया हमने बंजारों की तरह बाहर बैठे क्योंकि हमारी ट्रेन का टाइम है 11 बजे 11:30 बजे और अब हमारे पास कोई काम है नहीं क्योंकि पैर हो तो जवाब दे चुके हैं तो बैठ के इंतज़ार कर ही सकते हैं तो जब तक बाहर बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं फिर उसके बाद स्टेशन में जा कर इंतज़ार करेंगे यहाँ से सीधे स्टेशन निकलेंगे। तुम लोग बंजारों की तरह यहाँ बैठे हुए भाई बैग वैग ले कर हाँ बहुत भीड़ है जाओ हाय कर दो जाओ हमको नहीं चाहिए। ये देखिए गाइस इतनी छुटन्नी से एक ऑटो चल रही है बहुत क्यूट सी लग रही है नहीं तो 10 चक्कर लगा चुके हैं चलो कुली लोग चल चुके हैं लाइन लगा के चल रहे हैं बंजारे हो गए न घर है न ठिकाना है मेरे बोरिया बिस्तरा लेके हम लोग बैठे हैं लोग आ रहे हैं देख रहे हैं जा रहे हैं लोग ये देख लोग पी रहे थे इनको देख के भुखमंगे नंगे देख के चले गए शक्ल देख के तरस रहे लेकिन गाइस यहाँ पे हवा बहुत अच्छी चल रही है तो अच्छा लग रहा है मौसम। हेलो इधर देखो हेलो हेलो अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग की जगह लोगे क्या अब गंदा लगा देखे बस आए कहाँ हैं देखिए गाइस ये नोएडा का कुत्ता है जो कि उनको पहचान रहा है अब जाओ अब जाओ पहचानते हैं उनको अब जाओ अरे जाने दीजिए दीदी अरे मेरा कुत्तू मैं पूछूं मैं चुचू कहाँ रखा है अरे कुत्तू बस हो गया कुत्तू अभी हम ले ज्यादा प्यार आ रहा है क्या जाओ अच्छा जाओ अच्छे लगे अभी हम कह रहे हैं ना इसी से कर दो अब वो बिना कहे इसी से कर दी ये पिंक जो है नोएडा पिंक बनाए हैं और अभी ये यहीं पे जाएंगे क्योंकि ये है पिंकी पिंकी जाओ टॉयलेट होके आओ जाओ अब तुम ऐसी बोतल बना रखी है बनी रखी है वहां पे ऑफिस में एक ग्रीन बॉटल हल्की लाइट टंगाओ दोनों कान में टंगाओ बेटे घर में नहीं बना पा रहे बना दो ये देखिए गाइस लाइट खरीदी है हमने 70 रुपए की मिलती है ये कोई नहीं चिपक रहा तो ये देखिए ये है
लो शुगर कॉफी पी के दिखाना जरा कैसी है। बताओ कुछ रिएक्शन होगा कि नहीं। ऑसम ऑसम। देखिए ये पंखे के जो है पापा जी लगे हुए हैं यहाँ पे, पूरे स्टेशन में हवा आ रही है इस पे। प्लेटफॉर्म के बाहर लगा हुआ है, स्टेशन के बाहर पूरा हवादार है पूरा स्टेशन। मस्ती इसी हम जो है वेटिंग रूम में आके लेट गए हैं तो रेस्ट कर दे, एक घंटे बाद हमारी ट्रेन है। जीवी चल रही है, कुछ नाश्ता पानी करेंगे यहाँ पे, खाएंगे पियेंगे फिर आराम करके उठेंगे। ये देखिए एसी रूम है और ये देखिए ये खाने के लिए ले आए हैं। इनका तो मुंह ही परमानेंट टैग कर रखा है। ये देखिए पैक बना रहे भैया ये। हाँ बस भैया ये देखिए भैया आराम करते करते ऐसा लग रहा है सो जाएंगे थक गए हैं तो आप आराम करने का तरीका ऐसा आराम केकड़ा मिलती है एकदम से। बेचारी दुखी आत्मा अपने ख्याली में तेरा ख्याल आ रहा है। मेरे ख्याली में तेरा ही ख्याल आ रहा एकदम से ख्याल आ रहा है। ख्यालों में डूब चुकी है। बाय बाय डाली फिर जल्दी मिलेंगे। लखनऊ तो लखनऊ ही होता है, सुबह हो गई है। सो गाइज हमारी जो है दिल्ली की ट्रिप यहीं पे ख़त्म हो गई है। अब हम लोग घर निकल रहे हैं। हालत तो है नहीं, बहुत थकेले लग रहे हैं, आँखें सूजी पूजी लग रही हैं। तो अब ये ब्लॉग यहीं पे एंड कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को और प्यार बरसाते रहिए। लव यू ऑल। I'm not going to do that.